बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग धरती धड़न के घर भातिन के सभी फैमिली मेंबर्स के सभी धरती के डिसनरन के वेलकम चंदी तेजे प्रोग्राम धरती जो सुबह में माँ सहर शाह रिजवी तीजी मेज़बान तगर अज बीह रहा इतने हुजन जो मुझे यो मकसद है तो असा तहाँ से कचहरू कर सूँ तुटा सुटा प्रोग्राम्स टाए सूँ एड़ा क्वालिटी प्रोग्राम्स टाए सूँ जैमा अस सीखी भी सूँ जैमा इंटरटेन भी थी सूँ खोड़ जो एस्पेक्ट है असा प्रोग्राम तिंदा आयो तो पंजन डी में अस कोशिश यहाँ कह तो मुख्तलिफ़ नोयत जहा मुख्तलिफ़ जनरा जहाँ प्रोग्राम्स असाज ठाँ अस कचहरू क्यों तहाँ सा दिल वारू प्यार वारू मोहब्बत वारू छो तो असा सिंधी सभी ढा मोहब्बती मानू आयो ढो प्यार विरहण वा मानू आयो तो इन कर कोशिश असि सजी सत की सजी टीम की यही होंगी है तो अस प्रोग्राम्स अड़ा क्यों जैसा मोहब्बत आम थे जैसा प्यार आम थे जैसा दिल वारू गालू अस कर सूँ तो मेहमान भी अड़ा घुराइंद जैसा मेहमान से जैसे कचहरू क्यों गालू क्यों तो उन्होंने सब असो कुछ सीखण ला भी मिले कुछ अड़ी पर्सनैलिटीज़ अड़ा मू जो कारायता असे मुआशरे सोसाइटी के लिए छो तो इतने मू तो सब रहन था इंसान सब रहन था पर उ मू ढा कीमती जे कुछ न कुछ पाँच धरती के ला धरती के मानून के ला कर सोचिंदा या कंदा तो अजवारो प्रोग्राम भी नाजरीन ढो खास है ढो जबरदस्त है जे भेणू भायर जे असाजा वडड़ा उ टाइम यकीनन चैनल स्विच ऑन तक कर चुका हूँ अस प्रोग्राम ऐसा होंद असा फीडबैक पाँच जरूर दींदा क्यों असा बुधाइंदा जरूर कर तो प्रोग्राम्स में कड़ी शूं जे तुम चेंज ऐसा चाहो था कड़ी शख्सियात पर्सनैलिटीज़ जिनके तुम इतने सैट से ऐसा चाहो था कड़ी शूं जी अस इम्प्रूव करन खपन छो तो असा गजी कर ही प्रोग्राम कहीं तो अब सुनो है चाहिए तो फीडबैक असा वट हुए असा खबर पवी रहे तो प्रोग्राम के कें ऐसा चाहो था प्रोग्राम में ऐसा चाहो था तो नाजरीन कचहरू अज जबरदस्त होंदू जबरदस्त गाल होंदू अगर तक बुदाया तो ढी नव ढी जो आगाज थी है बल्कि कराची में कल बारिश थी है कल ढी का असान प्रोग्राम जी खत्म थो है बाहर निकती है तो बारिश थे शुरू थी वही हुई मीह की मुंद मलार की मुंद जो अची वही है सर्दी की पेरी बारिश हुई कल तो हाँ जहा सर्दी वी वी तो तक फैमिली मेंबर्स की घर भातिन की सभी जो घणो ख्याल रखो पव छो तो जैसे सर्दी वी तो बार स्कूल वेंदा जाहिर है तो उन्होंने वरी थोड़ी डिस्टर्बेंस इन हवाले से तो स्कूल वेंदा तो सुबह जो उथण वो मसलो यो हों तो सुबह जो उथन की निंड वरी उन्होंने वह निंड फिटंदी है वरी उथंदा वरी स्कूल वेंदा ढो सुो प्रोसेस जिंदगी जो हलो रो है पर सर्दी वधंदी है तो पो केयर भी घणी करनी पवंदी है कोशिश कर तो पे खाधन में गर्म शूँ इस्तेमाल कर बॉयल एग्स जे उन्होंने इस्तेमाल कर सूप जे उन्होंने इस्तेमाल कर तो जी तुम गलो न वठजी वे सर्दी घणी होंगी है तो बार सियारे के करे गलो वठजी वेंदो है या बुखार थी पवंदो है तो कोशिश कर तो उन्हें सेहत जो भी ख्याल रखो पांजी सेहत जो भी ख्याल रखो स्पेशली जे भेणू असाजन उ बिल्कुल पानो ख्याल ना रखनी तो तुम पानो ख्याल रखो पांजे लाभ करे करे कुछ सोचिंदा कर गालू कंदी मुख्तलिफ़ हवालन से अज प्रोग्राम इलाही खास है इलाही जबरदस्त है नाजरीन अज म्यूजिक भी होंद म्यूजिक के अलावा बिल्कुल टोटली डिफरेंट कल वो जो म्यूजिक हो टोटली डिफरेंट हो तभी के मुख्य एनर्जी दियण जगण ला अज वरी थोड़ा सुकून वो क्लासिकल म्यूजिक जो वो बुधंदी कोशिश कंदी तो कचहरी भी क्यों बो वरी जो सोशल असो पासो है सोशली जो मू कम कन पाया उन्होंने हवाले से कचहरी कंदी अज टैलेंट ऑफ द डे भी असान प्रोग्राम में होंद वो टैलेंट असि सिंध धरती जो जो अस कोशिश कह तो जो टैलेंटेड मूँ उन्होंने एप्रिशिएट क्यों तुम वही अचू कचहरू जबरदस्त असो थारू छो तो जो मेहमान इतने आया उ कारायता ढी जबरदस्त पर्सनैलिटीज़ हैं उ मू ढा कीमती जे धरती के लिए कुछ न कुछ बेहतर करने की कोशिश कह तो कीमती मू इन टाइम अस मौजूद हैं सब का अग में तक बुदायूँ तो अड़ी पर्सनैलिटी जो मू की खिदमत कन था मानून सुनो इन कम है इन फाउंडेशन है अल शरीफ फाउंडेशन उन्हें चेयरमैन के वेलकम चंदी रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी परवेज इकबाल आ रही है कैसे हैं आप ठीक हैं अल्लाह का शुक्र जी आप ठीक बहुत बहुत मशहूर हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं नाजरीन बी पर्सनैलिटी तक बुधाया तो असान न्याणियों असान छोकरियों के उ कें घट ना छोकर असो जैसे कम कन्दून जैसे को भी कम कन तो दिल से कन्दून ढी जबरदस्त अंदाज में कन्दून तो नाजरीन तक बुधा तो ढी जबरदस्त न्याणी है
तव्हांखे डिफरेंट कमु कंदे डिफरेंट शयूं कंदे जॾहिं छोकिरियूं नज़र ईंदियूं आहिनि त मां ॾाढी दिलि सां ख़ुशि थींदी आहियां त अॼु स्टीरियोटाइप टुटनि पिया त हीअ बाइकर आहे बाइक हलाए थी ऐं ॾाढो माशाल्लाह सां ज़बरदस्त अंदाज़ में हलाए थी बल्कि मां हिननि खां डिफरेंट कम आहिनि जेके हिनजा उन्हनि जे हवाले सां हिन सां कचहरी कंदासीं सोशल वर्क बि करे थी त पुछंदासीं तारा बाइकर आहिनि अस्सलाम वालेकुम तारा कीअं आहियो ठीकु आहियो तव्हां ॿुधायो मां ठीकु आहियां तारा ॾाढा प्यारा था लॻो थैंक यू असां सां गॾु आहियो ऐं नाज़रीन टी पर्सनैलिटी बि हिकिड़ी असां सां गॾु आहे ऐं म्यूज़िक जी मां ॻाल्हि कई त म्यूज़िक ज़रूरी आहे रूह जी ग़िज़ा आहे त यासिर समूह बि असां सां गॾु आहिनि अस्सलाम वालेकुम यासिर वालेकुम अस्सलाम कीअं आहियो तव्हां अलहमदिल्ला मां ठीकु आहियां ऐं नाज़रीन मां आहियां असांजो प्रोग्राम आहे यासिर आहे त पोइ तव्हां सम्झी विया हूंदव त हिकिड़ो एस्पेक्ट इलाही अहम आहे असांजे प्रोग्राम जो म्यूज़िक त लाजो भाई बसि असां घर अस्सलाम वालेकुम लाजो भाई कैसे आप ठीक है अल्लाह का बड़ा करम लाजो भाई कल बारिश हुई है क्या बताएं बारिश बस ये अचानक अल्लाह ताला की रहमत बरस पड़ी वैसे तो अनाउंस तो काफी दिनों से हो रहा था कि बारिश होगी होगी ये नहीं पता था कि कल ही हो जाएगी हाँ और कराची में फिर बारिश होती है ना थोड़ी सी भी होती है तो रोडों में पानी फिर वो जाता ही नहीं है खास तौर पे जो हमारा ये रास्ता है ये तो बड़ी मुश्किलों से हमने सही करवाया था हाँ ये हम कहते हैं ना पुलिस रात और कल जो है ना वो फिर दोबारा उसी तरह से हो गया वो जैसे पहले था हाँ पहले था बिल्कुल नाज़रीन तो कचहरी असने शुरू क्यों था जबरदस्त प्रोग्राम जो अज थे एकड़ो तो मानून की खिदमत के हवाले से मां पूछण चाहें पई ख़िदमत जे हवाले सां माण्हुनि जी ॿियो वरी नियाणियूं जॾहिं अॻिते अचनि थियूं त कहिड़ो सुठो कमु कनि था त सभिनी जे हवाले सां कचहरियूं कंदा आहिनि तारा खां मां पुछणु चाहियां पई तारा कीअं तव्हांखे ख़्यालु आयो त तव्हांखे बाइकर थियणो आहे हिकिड़ी छोकिरी असां वटि केॾा स्टीरियोटाइप्स आहिनि त नियाणी कीअं कंदी इहो सुवालु हूंदो पहिरीं बहुत ज़बरदस्त सुवालु आहे आपका इहे पहिले मां आपको एप्रिशिएट करूंगी आपने बहुत प्यारा सुवालु किया पहली बात ये है कि गर्ल्स की वुमेन एम्पावरमेंट हमारे पाकिस्तान में बहुत कम है स्पेशली सिंध में तो मैंने सोचा मैं एक वुमेन को जो है वुमेन एम्पावरमेंट को मैं आगे लाऊं एज अ सिंधी गर्ल होकर तो मुझे देख के काफ़ी गर्ल आगे निकलें तो मैंने ये काम शुरू किया और ये बस इसलिए शौक में किया था कि जब लड़का बाइक चलाता है औरत पीछे बैठी होती है बेचारी कह रही होती है मुझे यहाँ ले जाओ यहाँ ले जाओ तो जब वो खुद सीख लेगी तो वो तो अपने काम इजीली खुद कर सकती है तो मैंने जब बाइक राइड की तो मैं इजीली अपने छोटे मोटे घर के काम भी कर लेती हूँ अच्छा सिंधी में भी यो बुधायो असने व्यूअर्स के तो ता की शुरुआत कई बाइक हलाई जी सिंधी सफा वी का हिनी करे मां सिंधी घट घर आइंदी आया अच्छा इतनी भी कहे हां किथे ता जो गोट किथा जायो ता गोट उबाड़ो अच्छा इता का केतरो परे है गोट की डेहर की उबाड़ो अच्छा इन साइड गोट की वाले पास है सही 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 यासिर भी करें यासिर का पूछना यासिर सिंगिंग की थी हले छा कम जे केन वो ता इन टाइम करे रहे है केड़ा केड़ा प्रोजेक्ट्स केड़ा कम सिंगिंग तमाम एकड़ो त माने जड़े टाइम भी मानु गाए तो ओड़ी टाइम माने सिंगिंग ही सिंगिंग आ स्टूडियो जो कम भी हुंदो आ म्यूजिक जो कम कंदो आ पाण मा ए काफी फनकार काफी सिंगर उनन के ठायो उनन के तैयार कयो से अल्लाह साईं उन्हनि खे ख़ुशि रखे नवां प्रोजेक्ट पंहिंजा हलनि था पिया कुझु नवां एल्बम आहिनि इनशाला ॿुधजो तव्हां वरी वाह वाह थी वेंदी इनशाला वाह वाह थी वेंदी बिल्कुलु ॿुधंदासीं यासिर खां बि कुझु न कुझु अॼु छो त म्यूज़िक जी जॾहिं ॻाल्हि ईंदी आहे न मां चवंदी आहियां त सुबुह जो को अहिड़ो सॉन्ग अहिड़ी का शइ हुजे जेको माण्हू जाॻी पवे तमामु हिकिड़ो ख़ूबसूरत गीत आहे मुंहिंजो हिकिड़ो तमामु सुठो मशहूरु थियो आहे गानो सभ सां खिल खिल आहे तुंहिंजी यारीअ खां पोइ थो थिए सो पेशे खिदमत आहे उहो तव्हां जेके वाह वाह थी वेंदी जी एड़ो यार मोला एड़ो यार मोला मुखे छजो आ मिलाए हाणी तुझी परवाह नाहे एड़ो यार मोला मुखे छजो आ मिलाए हाणी तुझी परवाह नाहे परवाह नाहे तुझे करे पाण खे
तुझे करे पाण के तुझे करे पाण के छो विनाए हाणे तुझी परिवहनाहे 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 प्यारू तो खा तू चिड़ंदो होए थोरे घड़ते मूसा विड़दो होए खोरा प्यारू तो खा तू चिड़ंदो होए होए जवंदो होए जवंदो मुखे छड़े तू भोलाए तुझी परिवहनाहे 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 दुखने मेरो बण में राती हुई अखियों ने मारो गोबंदी बरसाते हुई देखो दुखने मेरो बण में राती हुई अखियों ने मारो गोबंदी बरसाते हुई एड़ो त मुखे एड़ो त मुखे तो छो हो दुखाए हाणे तुझी परिवहनाहे 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 एड़ो यारो मोला मुखे छो मिलाए हाणे तुझी परिवहनाहे 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 वाह 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 नेरा ने सुबह जो आवाज हाँ वेरी गुड कंपोजिशन जबरदस्त जबरदस्त अच्छा परवेज साहब असा गड ॾाढो जबरदस्त कम कर रहा है सर आपसे सवाल करूंगी कि आपकी इस फाउंडेशन को कितना अरसा हुआ है क्या क्या काम आप करते हैं बहुत शुक्रिया आपका आपका और आपके चैनल का जिन्होंने हमें मौका फराहम किया स्पेशली धरती टीवी का अल शरीफ फाउंडेशन को कायम हुए 6 साल हो गए 2016 से हमने काम स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 40 से ज़्यादा शोबा जात हैं जिसमें अल शरीफ फाउंडेशन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और अल शरीफ फाउंडेशन का मिशन इंसानियत की खिदमत करना है और बच्चा पैदा होने से लेकर जितने भी शोबा जात इसमें शामिल होते हैं मरने तक तमाम पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और स्पेशली जो हम पावरमेंट की आप बात कर रही थी बच्चों के हवाले से सिंध के हवाले से पंजाब के हवाले से केपीजी के हवाले से बलूचिस्तान के हवाले से हम औरतों में स्किल्ड प्रोग्राम के तहत आईटी लैब्स और वोकेशनल सेंटर रिब्यूटेशन सेंटर बना के दे रहे हैं और उस पर वो काम कर रही हैं ना सिर्फ काम कर रही हैं बल्कि काम सीखने के बाद उनकी जॉब को भी उनके अपने छोटे मिनी रोज़गार को भी हम कन्फर्म बनाने की कोशिश करते हैं इसके साथ साथ हमारे ड्राइविंग स्कूल हैं बच्चों के हवाले से ट्रेनिंग स्कूल हैं मोबाइल आईटी शॉप्स हैं ताकि बच्चे वहाँ काम सीखें
और जो बेरोज़गारी है इसमें थोड़ी सी कमी आए। इसके अलावा और हमारे स्किल प्रोग्राम के तहत वेल्डिंग के काम हैं, फैब्रिकेशन के काम हैं, इलेक्ट्रिकल के काम हैं, टेलरिंग स्कूल हैं, ड्राइविंग स्कूल हैं। मकसद किसी न किसी हवाले से जिसमें भी बेटा है या बेटी है उसका माइंड काम करता है, उसके दिमाग और सोच को सोचते हुए उसको काम दिया जाए। और इसी पावर अम्बेड के हवाले से बहुत सी इंटीरियर सिंध की खवातीन, पंजाब की खवातीन जिनके हाथ में हुनर अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, उनको हम तमाम एग्जीबिशन की तक उनकी रसाई को मुमकिन बनाते हैं। उसके साथ साथ आउट ऑफ कंट्री तक भी हम उनकी रसाई को मुमकिन बनाते हैं, ताकि उनके जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं जैसे वो रलियां बनाती हैं, जी बिल्कुल, उसमें कोई भी आइटम हो उसको हम चाहते हैं कि वो जैसे अपने घर से निकल के पूरी दुनिया तक अगर जाना चाहती हैं, पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हैं, तो हम उनको रसाई देते हैं, उनको अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। और रिसेंटली भी एग्जीबिशन लगने वाली है आउट ऑफ कंट्री में, तो उसमें भी हमारी डेलीगेशन जा रही हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान में भी कहीं भी एग्जीबिशन होती हैं, हमारी जो बच्चियाँ हैं वहाँ मौजूद होती हैं, हमारी सीनियर लोग वहाँ मौजूद होते हैं। तो मकसद किसी न किसी हवाले से जो भी किसी को प्रॉब्लम रहे हमारे जो सीनियर लोग हैं वहाँ तक उनको रसाई देने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़बरदस्त वे माचम ने मानू डाड़ा कारायता इन जके खिदमत कर मानू जी। तारा का भी सवाल पूछन चाहिए, तारा ताम सोशल वर्क कयो था, केड़ी केड़ी शयो जके ता कयो था? अभी जैसा कि आपको पता है बोर्ड मुतासरीन सैलाब का कितना हमारे पूरा सिंध जो है 100% डूब चुका था और लोग बेचारे बेरोजगार हो गए थे और पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने को रोटी नहीं थी। तो देने वाली जात तो मौला की है, हम तो सिर्फ वसीला हैं एक किस्म के। तो मैंने सिंध में जब विज़िट किया, स्पेशली मैं जामशोर हो गई जब बहुत ज़्यादा हालात जो हैं क्राइसिस बहुत ख़राब थे, तो वहाँ पे मैंने ड्रेसेस वगैरह, मेरा ख़ुद का ब्रांड था, एक ब्रांड पे भी काम करती हूँ, तो मैंने उन ब्रांड से 100+ न्यू ड्रेसेस उठाए, वो मैंने जो है बोर्ड मुतासरीन को दिए, खुद जाकर राशन प्रोवाइड किया और जितना हो सका। और अभी भी हमारा जो है एक एनजीओ है SDRC, उसके साथ हम काम कर रहे हैं मिलकर SDRC को जितनी डिजास्टर रिलीफ कैंप, बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ हम वर्कआउट भी कर रहे हैं, जितनी सपोर्ट उनको मेरी चाहिए होती है एज अ आर्टिस्ट हम प्रोवाइड करते हैं, एज अ सोशल वर्कर प्रोवाइड करते हैं। तो ह्यूमन राइट्स फोरम ऑफ पाकिस्तान बेसिकली एक इदारा है जो सिर्फ काम करता है हकूक पर पूरे सिंध में। अब दिन में 1000 मसाइल आते हैं, मसले आते हैं जो कि डाइवोर्स के मुताबिक भी होते हैं, बच्चा गुम गया है, आए दिन इवन ऐसा हो रहा था मैं सो रही होती हूँ तो मुझे कॉल आ रही होती है हमारा बच्चा जो है घर से निकल गया, गुम गया है। फिर जो थाने के मसले होते हैं, फोर्सेस के होते हैं, चाहे वो हमारी कोई भी फोर्स हो, स्पेशली मैं सैल्यूट करती हूँ अपनी पाकिस्तान आर्मी को, पाक जो हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, जो प्रॉब्लम्स बिल्कुल बिल्कुल सॉर्ट आउट करते हैं। सही बात है बिल्कुल। और आप लोग बाकी सिंध डिज़ास्टर रिलीफ कैंप की बात करूँ तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि वो सारे लोग जो इंडिविजुअल लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं खोड़ मानू हैं जो गदजी करे कम कन पे सिंध जे रिलीफ के हवाले से, छो तो इन टाइम सिचुएशन ढी खराब है। पैर तो यो तो बोड आई, पर बोड का जो सिचुएशन है वो अजा खतरनाक थी वही, जो तो पानी बीह रो हाँ उन सिचुएशन खराब अचानी है। ब शयन के हवा से एग्रीकल्चर असो तबाह थी चुको है पानी बीहण के करे, बी या शे तो जैसे सर्दी वधे थी सियारो अचे तो उत पानी बिठल जो है उनके करे तो सर्दी सटी दी मानुन के, बो यो है तो बीमारियों जी इलाही पकड़ जी वेंदी, तो कोशिश करे मेडिकल कैंप्स लगायो। मैं अपने यंगस्टर्स को सैल्यूट करती हूँ क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इतना काम नहीं किया जितनी हमारी यंगस्टर्स ने काम किया। हाँ बिल्कुल, कैंप्स पे बैठी रही और SDRC एक वाहिद वो कैंप है जो अभी तक तीन तलवार पे लगा हुआ मैंने देखा, और वो सुबह शाम दिन रात लॉयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ बैठते हैं काम करते हैं। जब मैं वहाँ से गुजरती भी हूँ तो मेरा दिल चाहता है मैं उस कैंप पे रुक के 5 मिनट बैठूँ। अच्छा ताँ का पूछना परवेज साहब आपसे भी यही सवाल करूंगी कि फ्लड के हवाले से आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने फाउंडेशन ने क्या क्या किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाई हैं अपने वर्क से, और हमारा वर्क जो डो मीरपुर खास में अभी भी चल रहा है, हमारे मेडिकल कैंप डेली की बुनियाद पर हो रहे हैं, और ओवरऑल कराची में हमारे कैंप वीकली, दो कैंप हमारे वीकली होते हैं और मंथली 8 से 10 कैंप हमारे तकरीबन मिनिमम एवरेज है, ये पिछले 5 साल से हमारा सिस्टम है। और इसके साथ साथ 2000 से ज़ायद लोग फैमिलीज मतलब जो कराची आए हुए थे जिनको हमने संभाला, 2 से 2.5 महीने उनका 3 टाइम का खाना
प्रोवाइड किया, ना सिर्फ खाना दिया बल्कि उनके हफ्ता सफाई के नाम से उनका टूथपेस्ट, उनका ब्रश, उनके लिए खुश्क दूध, उनके लिए मच्छर मार दवाइयाँ, क्योंकि इनके साथ साथ मच्छर इतना उसकी भरमार हो गई थी कि इसके बाद काफ़ी कंप्लेंट्स मलेरिया और डेंगू वगैरह की आनी शुरू होगी, उसके तहफ़ के लिए। और इसके अलावा दीगर मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह हम पागल हुए हुए थे। मेरी मिसेज जो है वो जनरल सेक्रेटरी है, वो भी मेरे साथ है, और हमारे जो यंग स्टार जो लोग हैं, हमारे एम्प्लाइज 200-250 लोग हैं वो हैं, और वॉलंटियर साथ काम करने वाले, क्योंकि एक बंदे का तो ये काम है नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर तरीके से हमने उनको मैनेज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी लाइफ में याद रखेंगे कि हमें किसी ने मेहमान बनाया था, और वाकई मेहमान बनाया था, जान छुड़ाने के लिए मेहमान ने बनाया था। और उसके साथ साथ हमारे डेली की बुनियाद पर जो दस्तरखान भी चल रहे होते हैं, कहाँ कहाँ पे चल रहे होते हैं, कायदाबाद है और शालतीफ टाउन का इलाका है, और आपके इंटीरियर सिंध में दौलतपुर, शाहपुर, जहानिया है, पंजाब में डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर है, और दो तीन और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में हम अभी लॉन्च करने वाले हैं। तो मतलब हम दिल्ली की बुनियाद पर हमारा वर्क हो रहा होता है, और हमारे तकरीबन 40 शोबे हैं, 40 के करीब। तो हर शोबे पर हमारे अपने रजाकार, कोई पेड हैं, कोई अनपेड हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। और उसके अलावा एम्बुलेंस है, फिर अभी रिसेंटली शोजरकारी के हवाले से, जैसे गर्मी के बहुत ज़्यादा होती है, उसके हवाले से मतलब हमारी टोटल ऑफर होती है कि जो भी लोग एनजीओज और अपने इंफादिया सी से पौधे लगाना चाहते हैं, हमसे रब्ता करें, हम उनको पौधे फराम करेंगे, वो अपने मजाब के तहत लगाएँ, और वो अगर नहीं भी लगाते हमारे अपने रजाकार भी काम कर रहे होते हैं। और उसके अलावा और मैं कहता हूँ कि आप बात करते जाएं, हम आपको उस पर अपना पूरा होमवर्क देंगे। तो मतलब हम बहुत हद तक काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और महाना कफालत के तहत तकरीबन 400 के करीब फैमिली है जिनको मंथली राशन प्रोवाइड किया जाता है, मिनिमम 10,000 रुपये का तकरीबन नॉर्मल फैमिली के लिए, अगर बड़ी फैमिली है तो उसको उससे ज़्यादा। मतलब अगर हम किसी को हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी सोच होती है कि बंदा दूसरे के पास जाके मांगने की कोशिश ना करे, यानी कम से कम जो भी चीज़ उसे फराम करो, या तो दो नहीं दिखाने के लिए, अगर दे रहे हो तो उसको कम से कम पेट भरना चाहिए, यानी 5 दिन का राशन दे दिया, 5 का किसी और से मांग रहा है, 5 का नहीं, ये सिस्टम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने डोनर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिनका हम पे इत्माद है, और अपने जो हमारे यंग स्टार्स हैं, हमारे वॉलंटियर वर्कर्स हैं, पेड़ याफ्ता वर्कर्स हैं, भले उतर हा लेते हैं लेकिन ईमानदारी से काम करते हैं, हम उन पर भी फख्र है, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर फील्ड में बिल्कुल लगे हुए हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं स्कूल नहीं पढ़ सकते, उनको हम थोड़ा थोड़ा जैसे ABC उन्हें आती है उस हवाले से हम उनको कंप्यूटर की एजुकेशन दे रहे हैं कि इस काबिल हो जाओ कम अज़ कम, आपको थोड़ा सा हॉर्नो आ जाए, फिर हम आपको डेटा एंट्री की कहीं भी जॉब दे देंगे, अपने कम अज़ कम रोज़गार का बंदोबस्त कर सकते हैं, क्योंकि घर के जो मामलात हैं वो ख़राब आपके माली मसाइल की वजह से होते हैं। अगर आपके पास माली मसाइल ठीक हैं तो आपके घर में खराबी आने की कोई वजूहत नहीं बन सकती। तो हम चाहे बच्चियाँ हैं चाहे बच्चे हैं, हमारे टोटल फोकस होता है कि जो उनके दिमाग में है, वो जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उनको हम उनको जॉब जो है उनकी यकीनी बनाएं। और आपके चैनल के तवस्त भी मेरा मैसेज है, जो बच्चे बच्चियाँ पढ़े लिखे हैं, उनके पास हुनर्स हैं, वो हमें अप्लाई करें, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे उनको जल्द अज जल्द उनको जॉब पे खड़ा कर सकें, ताकि अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से लेके चल सकें। बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं सर आप, धरती टेलीविज़न आपके साथ है, आप जब भी आपको हमारी किसी भी खिदमत की ज़रूरत है तो हम आपके साथ हैं। तहां का पूछना तारा, तहां जो कम कहो था डिस्ट्रीब्यूशन की था कहो, जो तहां शयूँ गड कहो था, मानू तहां के दो सपोर्ट कन था, तीन तलवार ते ता जेडी वेडी कैंप लगल है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन की थी है डिस्ट्रिक्ट वाइज थी है, सिटी वाइज थी है? नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाइज पे भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट का एक एक अलग जनरल सेक्रेटरी है और वॉलंटियर्स हैं वहाँ के। जब यहाँ से कराची से जो सामान मूव होता है तो हम बताते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में पहले विजिट होता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हालात ख़राब हैं, पहले हमें इसको कवर अप करना है। तो हमारे यहाँ से बॉयज़ भी जाते हैं और गर्ल्स भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, वॉलंटियर्स वो भी यहाँ से मूव करती हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मुश्किल था शुरू में, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि जब बोर्ड मुतासरीन लोग इतने ज़्यादा सामान कम, क्योंकि हम ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते, उनकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, हमारे जरूरत पास ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, ज़रूरत पूरी वो ख्वाहिशात नहीं कर सकते, तो उनकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा थी। तो जब मैं ख़ुद विज़िट पे गई जाम शोरों, तो इवन मेरी गाड़ी जो है लोग मारने आ रहे थे कि हमें दें, तो बस हम लोग जान छुड़ा के निकले। फिर हमने जब सिचुएशन देखी कि हमारे बस की बात नहीं है ऐसे खुद जाके करना, तो उसके बाद हमने विज़िट किया, उसके बाद हमने फैमिलीज़ निकाली जो जिन जिन को नीड है, क्योंकि
हमारे पास जो नीडी पीपल्स हैं उन तक सामान नहीं जा रहा था। सुपर हाईवे से गाड़ियां लुट रही थी और वो लोग ले रहे थे जिनको ज़रूरत नहीं थी। तो मैं जब गई विजिट किया तो जो नीडी पीपल्स थे मैंने खुद अपने हाथों से जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो मैंने कहा अब मेरे दिल को सुकून है कि अब हमारी जो मेहनत है वो सही जगह लग गई है। और अभी भी काम हो रहा है। तो मैं भी यही कहूँगी जो हमारे डोनर्स थे सबसे पहले, क्योंकि वॉलंटियर्स ने तो बहुत काम किया, ऑडियंस के बगैर हम कुछ भी नहीं है। जो हमारे देखने वाले होते हैं या जो हमारे डोनर्स होते हैं जो हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं बहुत। इस टाइम एसटीआरसी ने माशाल्लाह से 2 करोड़ का काम, मतलब वर्कआउट, 2 करोड़ रुपया एक अमाउंट छोटी नहीं है, बहुत पूरे सिंध में 2 करोड़ रुपया उन्होंने अपने हाथों से सही जगह लगाया है। और ये सबसे बड़ी अप्रिशिएट करने वाली चीज़ ये कि वो सब स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल लोग जो हैं वो चंदा ना लोग आते गए कारवा बनता गया पुड़ी पुड़ी तला सिंधी सिंधी में चवंदा आहिनि तो माण्हू ईंदा विया ऐं कमु थींदो वियो। वाकई में असां जॾहिं सभु गॾिजी करे हिकिड़ी चेन बिल्डअप कंदासीं, हिकिड़ी चेन ठाहे कमु कंदासीं त ॾाढो सुठो कमु करे सघिजे थो। हर ॻाल्हि में गवर्नमेंट ते असांखे इनहिसार न करणु खपे। नई नई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, स्पेशली जो हमारे डीसी साहब हैं, मेरी उनसे पर्सनल गुजारिश है कि या तो आप फंड्स पास नहीं करें गवर्नमेंट का, या देते हैं तो इतना दिया करें कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल हों। इस तरह बुला के 20-25 हज़ार नहीं दिया करें जो एक घर का राशन भी पूरा नहीं होता। हाँ बिल्कुल, आप फैमिली से इतनी ज़ाहिर है माशाल्लाह से हैं। और दूसरी बात यह कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि राशन भी हम खरीदते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, और अभी तो और होने वाले हैं। ऐसा ही है, एग्रीकल्चर जो हमारा ख़त्म होने वाला है, अभी हो रहा है क्योंकि पानी ज़मीनों में खड़ा हुआ है। कचहरी असा क्यों पे तो मानू की खिदमत के हवाले से बो असा वरी ट्रेंड सिटर्स जो उनकी गाल भी कर रहा हूँ। छो तो हाँ दौर जो है, इरा जो है, टाइम पीरियड जो है बिल्कुल डिफरेंट थी चुको है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। पैर दौर जो हों स्टीरियो टाइप्स के फॉलो कदा हुआ मानू, हाँ छोकरियों जो दौर है फीमेल इरा है पूरा, तो छोकरियों जो वो स्टीरियो टाइप्स के टोड़े रही हैं। सब का भली इन इरा की इन टाइम पीरियड की यह सुठी गाल है तो असा स्टीरियो टाइप्स के मनु ही न था। जो धक्यानूसियत है, जो शूँ मुख्तलिफ़ जरिए मुख्तलिफ़ शयन से इम्पोज क्यों व्यून औरतुन से असा उनके मनु ही न था। तो असा एक डिफरेंट ट्रेंड्स ठाया हाँ हाँ असा ये ट्रेंड्स ठाया तो असा छोकरियों जो असा पुलिस में भी नजर इंदी, असा जहाज हलाइंदे भी नजर इंदी, असा एज ए इंजीनियर भी नजर इंदी, असा डॉक्टर के तौर पर भी नजर इंदी, असा डिफरेंट कम कदे नजर इंदी। तो ढो ज़बरदस्त इरा है, ढो बेहतरीन इरा है। जो न्याणियों यो कम कन पा उन सभी के एप्रिशिएट क्या थी तो कुछ न कुछ मुख्तलिफ कर पाँची रिवायतुन के भी बरकरार रखो था। खबर है तो तड़ी शूँ तरण खपन कड़ी न करण खपन, बट पाँ फील्ड्स में पाकिस्तान जो पाँचे मुल्क जो नालो रोशन कर पाया तमाम ज़बरदस्त गाल है। तारा से गर तो पुछंदस तारा तहड़ो आउटलेट बे ड्रेसिस के हवाले से और जान बीबी कलेक्शन के नेम से है और कल्चर ड्रेसेस पे काम होते हैं, सिंधी, बलोची, पख्तून, पंजाबी, चारों कल्चर को प्रमोट कर रही हूँ। और इवन जो हमारे जैसे जिनको जॉब्स की नीड होती है गर्ल्स को, वो घर बैठ के मुझे हाथ के काम के ड्रेसेस में उनसे परचेज करके अपनी आउटलेट में सेल करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। और बाइक के हवाले से पूछूँगी कि आप बाइक चला रही हैं, सिखाती भी हैं? बिल्कुल सिखाती भी हूँ और उनको सिखाती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे तो हमारे पास 1000 इंस्टीट्यूट हैं लेकिन काफ़ी गर्ल्स ऐसी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती, जिनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है। मैं समझती हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह वो मूव हो सकती हैं तो उनको मैं सिखाती भी हूँ। बहुत अच्छा, मुझे भी सिखा दो यार। बस अभी शो मैं भी फिर शो पे सुबह सुबह बाइक पे आ जाऊँ। बट डन है, आपको कल से जो है स्कूटी लेके दे रहे हैं। अच्छा, कितने दिन लगते हैं एक लड़की को, एक इंसान को सीखते में सीखने अगर में? मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैंने तो तक्कड़ में, मतलब कहते हैं ना वो जल्दबाजी में सीखी, तो 3 दिन में सीखी है। 3 दिन बाद में 70 जो है रोड पे ले आई थी। वाकई इतनी महारत आ गई? चैलेंज में सीखी थी ना, किसी का चैलेंज लिया हुआ था या सिर्फ परेशान दियो चो तो छा माने छोकरी छा तो गले आज भी दैना सीखी सके। वाकई न सीखियो आया मां, मुगे टाइम ही न मिलियो सिंगिंग जी दुनिया में एतरो हले वेस जो मतलब। पर जें जो कम है वो ही करे तो ना, ये ना बस यही है। म्यूजिक जी दुनिया में माना पाजो इलाही बिजी, स्टूडियो ते बिजी, फनकारन सा बिजी, फनकारन के रिकॉर्ड करन, फनकारन जी शायरी करन, माना समझो तो मुजी दुनिया अलग आ। हाँ बिल्कुल, म्यूजिक ताई महदूद है। इवन मुझे बाइक से इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है, अगर मैं कहीं बैठी हूँ दोस्तों में, गैदरिंग में, कहीं रोड पे या कहीं होटल में, मुझे बाइक की बीट सिर्फ आवाज़ आ जाए तो
तो मेरी पूरी गर्दन घूम जाती है, बाइक कौन सी जा रही है। बाइक को देखते हम डर जाते हैं। मैं आवाज से पहचान लूंगी जिक्सर है, कौन सी हायाबुसा है, हार्ले जा रही है। बाइक मुझे इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है बाइक से। वाओ, ये तो फिर बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में आज से 3 साल पहले मैं वाहिद लड़की हूँ जिसने 1800 सीसी हार्ले डेविडसन राइड की है, जिसका मुझे अवार्ड पाकिस्तान में मिला है। और अभी इंटरनेशनल दुबई वालों ने भी मुझे इनवाइट किया है, तो मैं पहले से माजरत करती हूँ कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे हर काम में याद करते हो, कल्चर डिपार्टमेंट वालों का। लेकिन बस कुछ मसरूफियात हैं, इंशाल्लाह वक्त निकालेंगे जब इंडिपेंडेंट और हो गए। हाँ नहीं, इंडिपेंडेंट होना है बिल्कुल। अच्छा, एक पैकेज हमने आपके लिए तैयार किया, हमारे व्यूवर्स को दिखाते हैं। नादरी निकुल पैकेज सां तारा बाइकर जे हवाले सां ठायो है, अचो तां के दिखायो था। वाह वाह वाह, इतना ज़बरदस्त काम आपने किया है। कहाँ कहाँ घूमी है बाइक पे और कहाँ घूमने का शौक़ है? जब मेरे फादर मुझसे गाड़ी की चाबी ले लेते हैं कि गाड़ी जो है बड़ी होती है, नज़र आए घर के नीचे खड़ी हुई, तो मैं बाइक निकाल के अम्मी को बिठा के दो दरिया पूरा घूम के आ जाती हूँ। और वो तो 200 रुपये का पेट्रोल डालो पूरी कराची घुमाती है। वाह वाह, यूनिक टैलेंट है माशाल्लाह सा, अप्रिशिएट करण जड़ो टैलेंट है। अच्छा असा अल ही अल शरीफ फाउंडेशन जिका है, इन्हनि जा ऑनर बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, चेयरमैन इन्हनि जा मौजूदु आहिनि, तो उन्हनि खां परवेज़ साहब खां पुछणु चाहींदुसि। परवेज़ साहब, आजकल लड़कियां जो है बहुत आगे हैं, आपने कहा कि लड़कियों का काम जो है आप उनको क्राफ्ट के तौर पर इंटरनेशनली भी आप भेज रहे हैं, लेकिन फिर एक और चीज़ है, एक धक्यानुसीयत या स्टीरियोटाइप में कहूँ एक कनेक्टेड है जहेज के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, ये सिस्टम बहुत पहले से चला आ रहा है जी जी, और बहुत सी बच्चियाँ इस वक्त उनके जो बाल बालों में चांदी आ रही है सिर्फ जहेज़ के हवाले से घरों में बैठी हुई हैं, और उनके वालदेन की ये सोच है जहेज़ हो तो हम उनको घर से अलविदा करें। और आजकल ससुराल वाले लड़के वाले भी पहले लिस्ट दिखा देते हैं कि ये लिस्ट हमें चाहिए, तो ये जहेज़ की लानत पे हम उसकी मजम्मत करते हैं, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। और लेकिन इसके बगैर मैं समझता हूँ मामला जो चल नहीं पा रहा है, और हर बंदा इसकी मजामत भी करता है, लेकिन नशा ऐसा है कि इसके बगैर काम चलते नहीं है। हर इवेंट हर शादी में थोड़ा हो ज़्यादा हो जहेज पहले है। माँ की भी कोशिश होती है कि मैं सारा सामान ऐसे फराम करूँ, सारी चीज़ें दूँ, लेकिन अफसोस है कि जितना भी सामान दे दिया जाए एंड पे यही कहा जाता है कि क्या लेके आई है, या ये चीज़ कम है वो कम है, उसी चीज़ को हाईलाइट किया जाएगा जो चीज़ उसे मिस होती है कम होती है। तो बहरहाल मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ कि काम नहीं होना चाहिए। बच्चियाँ जो घरों में बैठी हैं अच्छी हैं प्यारी हैं पढ़ी लिखी हैं, दीन दुनिया सारा मामला समझती हैं, और मैं समझता हूँ इस वक्त कौन सा ऐसा शोबा है जहाँ बच्चियाँ एक्टिव नहीं हैं। मैं समझता हूँ साइकिल से लेकर जहाज तक चला रही हैं, तो इससे बढ़ के और क्या होगा। जी, जी, जी। तो ये इनको हम अप्रिशिएट करते हैं, और हम सबको अप्रिशिएट करती हैं जो मतलब बच्चियों में टैलेंट है और आगे बढ़ना चाहती हैं, बढ़ें काम सीखें। लेकिन जहेज़ के हवाले से इस चीज़ की ममानत है, और ख़ास तौर पर उस वालदान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खदारा जो एक अपना जिस्म का एक हिस्सा एक टुकड़ा आपको पढ़ा के लिखा के अच्छी उसकी तरबियत परवरिश करके आपको दे रहा है, तो मैं समझता हूँ उससे बढ़ के दुनिया की कोई चीज़ महंगी नहीं हो सकती। खदारा उनका एहसास करें और जहेज़ को बिल्कुल वॉकआउट करें। मैं भी ये चीज़ कहना चाहूँगी, आऊँ भी अच्छे एड करना चाहिंदा सी गाल में, तो डेज जो अस न्याणियों असो वेठी हैं घर में उन्होंने शादियों न पी थन शादियों थियन, तो उतने वरी डेज जो ताना सब कुछ माइट जो सब कुछ विकणी कर न्याणी है उनके डेज दींदा, पर इख्ताम जो एंड है वो वरी न्याणी की या तो जिंदगी से थन्द है या अं भयानक उनके साइड इफेक्ट्स जो शूँ नजर छो जो लालची मूँ उन्हें
जी शयूं इन उन्हें जी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंस जो वधिक हुंदी है इंसान जी जान का मौला अली सलाम जो फरमान याद अचे तो पान फरमायूं त शयूं जे केन इस्तेमाल करण ला हुंदी है माण्हू मोहब्बत ला हुंदा है पर गाल तदे बिगड़ंदी है जदे तदे खराब थिंदी है जदे असा शयन सा मोहब्बत करियूं ए माण्हू के इस्तेमाल करियूं केडी वडी गाल है असा के इतना समझण खपे त असा शयूं जे केन वो इंसान जिंदा है तो शयूं खरीद भी करे सके तो वठी सके तो माण्हू के विराए सके तो ॾेई सके तो पर वो जिंदा ही ना है तांजी जान जेका है उहा कीमती है उहा इंपोर्टेंस रखे थी तारा की ये स्टीरियोटाइप्स खत्म कजन पहले तो ये इंसानों में वफा नहीं है जिसने ये चीज़ खुदा ने हर इंसान को मखलूक पैदा की है तो उसने ये खुद फरमा दिया कि इंसानों से उम्मीद नहीं रखो उसमें वफा है ही नहीं। तो जहाँ तक बात रही जहेज की तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। औरत जो है जब ज़ाहिर सी बात है शादी एक ज़रूरी चीज़ है सुन्नत रसूल है करना भी, लेकिन जब इंसान जितना उसकी माँ बाप की इस्तेआत होती है देने की जब वो लेके जाती है तो जितना मर्जी ले जाए जब तक मोहब्बत से रिश्ते नहीं चलेंगे वो आप वाली बात है कि चीज़ें इस्तेमाल के लिए इंसानों को इस्तेमाल ना किया जाए चीज़ों को किया जाए। बिल्कुल, तो मोहब्बत करनी चाहिए इंसान क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता है जो सालों तक आपको लेके चलना है और कोई भी शादी इस नीयत से नहीं करता कि मैं टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए कर रहा हूँ। जाहिर है वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है। लोग आजकल वो भूल गए रिलेशनशिप आजकल जो है वो कहते हैं बस ये लेकर आए हम लें तो बस। हाँ, और चीज़ें जो है उनकी क्या टाइम पीरियड होता है, एक साल तक होता है, दो साल तक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप देख लें क्या होता है। और पढ़ी लिखी लड़कियाँ जैसे परवेज साहब ने बात की, पढ़ी लिखी लड़कियाँ आजकल है तो वो तो हर चीज़ खुद ही खरीद सकती हैं। ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल, फिर उनके माँ बाप पे वो प्रेशर, वो सोसाइटी का एक बहुत भयानक। पहले इंडिया में ये शइ तमामु घणी हूंदी हुई, असां ॿुधंदा हुआसीं त पाड़ेसरी मुल्क में ये शइ जाम प्रैक्टिस कई वञे थी नियाणियुनि जो, इवन पैदा थियण जेको आहे न उहो उते अजीब हिकिड़ो स्टीरियोटाइप हूंदो आहे। पर हाणे असां वटि पाकिस्तान में बि ये शइ ॾाढी प्रैक्टिस थिए थी। पहले जो है मर्द जो था वो औरत जो थी कहते थे कि मर्द का जो है पैसा देख के पीछे जाती है, एक सोसाइटी में बात थी माइंड में। लेकिन अब जो है मर्द जो है देखता है औरत के पास पैसा है ये कुछ लेकर आएगी तो मैं इसे शादी करूं। हाँ हाँ बिल्कुल, अक्सर प्रॉपर्टी पे शादियां हो रही होती हैं। कितना पाक और प्यारा रिश्ता है जो हम लोग लालच की नजर कर देते हैं। असल में इस पे बात करेंगे और मेरा ख्याल है म्यूजिक भी सुन लें। यासिर मेरे साथ है, कोई जबरदस्त ट्रैक यासिर असाके बुधराईदा छा बुधाईदा तमाम खूबसूरत गीत आ सब अस खिल खिला यारी का भी बहुत थी। जी खिलो खिलो आ तुझी यारी खबो तो थे तुझी सब सा खिलो खिलो आ तुझी यारी खबो तो थे फट पहरिया छोटा नहीं दुख पहरिया लथा नहीं बीवारिया खबो तो थे तुझी सब सा खिलो खिलो आ तुझी यारियां खबो तो थे तुझी सब सा खिलो खिलो आ तुझी यारियां खबो तो थे फट पहरा छोटा नहीं दुख पहरा लथा नहीं बीवारियां खबो तो थे तुझी सब सा खिलो खिलो आ तुझी यारियां खबो तो थे तुझी सब सा खिलो खिलो आ तुझी यारियां खबो तो थे सूरनि मां मस सुख जी निंद कईया है मस जान छुटिया सूर
मरनी मां मस सुख जी निंद कई आए मस सुख जी निंद कई आए जेका प्यार जी लगदी आ बीमारी खबो तो थे फट पहरिया छोटा नहीं दुख पहरिया न था नहीं बीमारी खबो तो थे तुझी सब सा खिलो खिलो आ तुझी यारी खबो तो थे तुझी सब सा खिलो खिलो आ तुझी यारी खबो तो थे घर क्या सब जी तबीदारी खबो तो थे फट पहरिया छोटा नहीं दुख पहरिया न था नहीं बीमारी खबो तो थे तुझी सब सा खिलो खिलो आ तुझी यारी खबो तो थे तुझी सब सा खिलो खिलो आ तुझी यारी खबो तो थे शहबन सोलंगी मुखे दिलदारी खबो तो थे फट पहरिया छोटा नहीं दुख पहरिया न था नहीं बीमारी खबो तो थे तुझी सब सा खिलो खिलो आ तुझी यारी खबो तो थे तुझी सब सा खिलो खिलो आ तुझी यारी खबो तो थे तुझी सब सा खिलो खिलो आ तुझी यारी खबो तो थे तुझी सब सा खिलो खिलो आ तुझी यारी खबो तो थे जबरदस्त म्यूजिक माशाल्लाह बेहतरीन म्यूजिक किन जो म्यूजिक है कंपोजिशन पांजी है मुझे पाणम कंपोज किया वाकई आपको कितने दुख है मन मां बहरा नया यासिर मन हेत्रो है के ये एड़ी केड़ी एज थी वे जो एड़ा दुख अंबार दुखन जा करम सा कोई दुख जिंदगी जिंदगी तो दुखन जी एकड़ी ठेल हुंदी है ना उनन समूह देणो देणो पोंदा पो के चई न सकंदा तो गाय तो उनन के जरूर बुदा सकंदा ना हां बिल्कुल पांजे आर्ट में पांजे फीलिंग्स जो एक्सप्रेशन म्यूजिक ही मुजी पांजे है म्यूजिक मु पाण ठे ना जबरदस्त है अच्छा यह वडी वाके दात है अल्लाह साईं जी तो ता आर्ट में पांजे एक्सप्रेस कियो छो तो आर्ट हुंदो ही एक्सप्रेशन है वो विजुअल आर्ट्स हुजे वो परफॉर्मिंग अजकल ता डठो हुंदो अक्सर हर जगह ते मना एकरो फरेब थी बिठो हर जगह ते धोको हर जगह ते मतलब आ पर ही मना हन शायरी में मना एकरो सोबर शायरी आ मना हन में को गलत एड़ो अल्फाज कोई भी ना हन में यो आए त तुजी सब सा खिलखिला जे जी सब सा खिलखिलो जे त
तो उनकी यारी का भी बहुत थी पोइट्री केंजी या पोइट्री शहबान सोलंकी सा तमाम बेहतरीन शायर आ तमाम वडो शायर आ मारवी सिंधु जो मुमताज मौलाई के सबनी के गीत दिंदो आ उन जो खूबसूरत एकड़ो बना एकड़ो मा उनके मौजू बदायो मा जो ही मौजू मखे लिखी दे उन जो यार वाह जो कलाम लिखी जो बस वो अल्लाह जे हुकुम सा गानो हिट यो टिकटॉक ते वायरल है टिकटॉक ते हले तो यार हां टिकटॉक जी असा गाल कर रहे हासी मा है तारा यो वाकई में वायरल है। अच्छा ताँ का पूछना परवेज साहब का लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम सिचुएशन जो है बहुत तंग है ख़राब है और अभी सैलाबी सूरत हाल और बिगड़ने वाली है तो कहाँ पे आप काम कर रहे हैं और क्या चीज़ें हैं जो लोग आपको कांटेक्ट करना चाहें वो किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल-शरीफ फाउंडेशन तो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है अदारे की हेल्पलाइन है 1027। सबसे मेन जो हमारा बड़ा शोबा है वो रोड एक्सीडेंट के लिए जैसे भी रोड एक्सीडेंट देखते हैं जी, तो 1027 पे कॉल करें तो इंशाल्लाह करीबी हमारी एम्बुलेंस फौरन पहुंचेगी। हो सकता है उसकी कॉल से किसी की ज़िंदगी बच जाए। उसके अलावा हमारे वोकेशनल सेंटर्स हैं बच्चियाँ बच्चे उनकी ट्रेनिंग का मामला चलता है उस हवाले से एडमिशन लेना चाहें हमसे रब्ता करें। टोटल हमारे जितने भी ये तमाम हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनकी कोई फीस नहीं है तमाम प्रोजेक्ट टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं चाहे ड्राइविंग स्कूल है चाहे वो कंप्यूटर की जो एजुकेशन है चाहे वोकेशनल सेंटर है ब्यूटिशन सेंटर है टोटल ऑल हमारे सेटअप टोटल फ्री है। उसके लिए सभी एक एप्लीकेशन लिखी जाती है थोड़ी सी इंक्वायरी होती है कि वाकई ये बंदा उसका डिजर्व करता है उसको। तो साथ साथ एज ए मैच मेकर भी मैं काम कर रहा हूँ बच्चियाँ बच्चे और ख़ास तौर पर लड़कों के लिए जो जहेज नहीं लेना चाहते उनमें से रबता करें इंशाल्लाह एक वीक में उनकी शादी हम करवा सकते हैं। और इस वक्त तक भी 500 से ज़्यादा शादियाँ हम एज ए मैच मेकर भी और तकरीबन 50 के करीब एज ए इज्तमाही शादियों के तौर पर हम करवा चुके हैं। और इसके अलावा हमारा मेडिकल सेंटर चल रहे हैं मेडिकल लैब है और उसके अलावा और हमारा शोभा कंसल्टी है जेलों के अंदर जो लोग बेगुनाह गर्ल्स लड़ रहे हैं उनके हवाले से हमारा। अच्छा इस पे बात करेंगे ये भी बहुत एक ख़तरनाक चीज़ है इस पे बात करेंगे परवेज साहब मेडिकल कैंप और मेडिकल सर्विसेज जो आपकी अल-शरीफ फाउंडेशन की हैं उनके हवाले से जानना चाहूँगी। जी बहुत अच्छा सवाल है और मैं समझता हूँ मेडिकल के हवाले से जैसे अब सैलाब ज़दगान हैं और उसके अलावा दीगर काफ़ी ओल्ड एरियाज़ हैं जिसे हम गोश्त कहते हैं और बहुत से ऐसी जगह जहाँ मेडिकल की सहूलत फ्राहम नहीं है तो ऑन एयर मेरा मैसेज है कि वो हमसे रबता करें और इंशाल्लाह स्पेशली हम जनरल कैप भी इनग्राइज करते हैं लेकिन ज़्यादातर हम आँखों के हवाले से काम कर रहे हैं कि जहाँ हमारी नीड है हमारी ज़रूरत है हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें इंशाल्लाह हमारी टीम वहाँ उनको टाइम डिसाइड करेगी वहाँ पहुँचेंगे हम कैंपिंग करेंगे उस हवाले से टोटल आँखों का ऑपरेट मोतिया वगैरह का टोटल आधारा अफोर्ड करेगा कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं है। हम कोशिश करेंगे उनको पैक एंड ड्रॉप भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दें। के साथ साथ हमारा रिश्तों के हवाले से काम है मैरिज ब्यूरो के हवाले से अगर लोग समझते हैं वो परेशान हैं उनकी बेटियाँ या बेटे इस हवाले से बहुत वो मुश्किलात का शिकार है वो अल-शरीफ फाउंडेशन से रबता करें तो उस हवाले से भी हम उनकी तमाम जो उनको हेल्प आउट कर सकते हैं जो उनका सोच के मुताबिक अच्छा रिश्ता दे सकते हैं। फिर बात हो रही थी जेल के हवाले से जो कैदी बैठे हुए हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको राज चलते हुए शक की बुनियाद पर पकड़ लिया गया या कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया। वो ज़रूरी नहीं कि हर जेल में जाने वाला बंदा क्रिमिनल हो बहुत से ऐसे लोग हैं वो क्रिमिनल नहीं हैं उनको हालात ने क्रिमिनल बना दिया तो उनकी जैसे हम पर कंप्लेन आती है तो उनकी प्रॉपर एप्लीकेशन है थोड़े से हम उनको इन्वेस्टिगेशन करते हैं फिर हमारी प्रॉपर एक लायर कमेटी है जो उनको डील करती है उनको केस को ट्रायल करती है और उनको हम टोटल रिलीफ फ्राहम करते हैं। और बहुत से केसेस ऐसे हैं कि उनको सजाएं हो चुकी हैं जिसको 10,000 रुपये जुर्माना है 15,000 रुपये जुर्माना है 20,000 वो छोटी सी अमाउंट पे नहीं कर पाते तो उनको सालों साल वहाँ अंदर गुजार रहे हैं तो जैसे हमें फिर इन्फॉर्म होता है फिर हमारा जो कंसल्टेंट शोबा जाके उसकी फ़ीस अदारा फ्राहम करता है जो उनका पलंटी जुर्माना लगा हुआ है तो उनको हम रिलीफ दिलवाने की कोशिश करते हैं। तो मतलब इस हवाले से और जेलों में जैसे ईद का खाना है बकरीद का कुर्बानी के मामले आते हैं ज़ाहिर वो भी तो इंसान है अब गलतियाँ उनसे होगी होंगी तो उसमें भी हमारी कमेटी है जो उनको प्रॉपर गोश्त फ्राहम करने की कोशिश करती है। ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं जेलों में? नहीं ट्रेनिंग का हमारा अभी सिलसिला नहीं है स्टार्ट हुआ इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में क्योंकि ये काम करने के लिए तमाम इंतजामिया से एप्लीकेशन लेना बहुत मुश्किल काम है उनसे परमिशन लेना उनसे इजाजत लेना सबसे मैं कहता हूँ टफ टाइम ये है। हमें समझो एक कैंप लगाने के लिए 200 अदारे से परमिशन लेनी पड़ती है और वो दो दो साल हमारे गुजर जाते हैं परमिशन के लिए तो उस हवाले से हम जो भी वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि तमाम कंसल डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनसे हम उनकी प्रॉपर परमिशन लें। अब इंडस्ट्रियल एरिया में हम दस्तरखान कुछ 5-6 जगह पर लगाना चाह रहे हैं उसकी प्रॉपर हमने
डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को और डिस्ट्रिक्ट करंगी को लिखा हुआ है कि हम इसकी परमिशन दें। तो मतलब हम चाहते हैं यार कोई भी काम को लीगलाइज तरीके से किया जाए, उसको अनलीगल किया जाए, कहीं भी थोड़ा सा अनलीगल हो जाएगा तो हमारा काम का मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी काम हम करें अल्लाह की रज़ा के लिए हो और जो पाकिस्तान के कानून कवानीन हैं उसके मुताबिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि इदारे जो हैं उनकी भी सपोर्ट हो और वो सही एक सही तरीके से होना चाहिए। बाकी इसके अलावा भी मैं समझता हूँ ऑडियंस देख रही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है वो आप हमें रिटर्न ईमेल कर सकती हैं, हमें लेटर लिख सकती हैं, रिटर्न में एप्लीकेशन दे सकती हैं। सोशल मीडिया के जरिए या आपके नंबर्स के जरिए हमें हेल्पलाइन पे कॉल कर लें 1027 पे, और दूसरा www.alsharif.org हमारी वेबसाइट है उस पर रब्ता कर लें, और मेरा अपना पर्सनल नंबर है 0300221774 उस पर रब्ता कर सकते हैं। अदारे की वेबसाइट, हेल्पलाइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह इसका पेज मौजूद है। तो मतलब हमारी सोच है कि अगर 100 नहीं, 1000 नहीं, चंद लोगों की भी हम हेल्प कर सकते हैं तो कम अज़ कम हम मुतमिन ज़रूर होंगे कि हम किसी के लिए कुछ किया है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी चीज़ यही है कि किसी के लिए कुछ करना है। हाँ, बाकी कैंप पाकिस्तान में कोई भी जगह हो हम मेडिकल कैंप फ्राहम करेंगे। पाकिस्तान में हर यूसी के अंदर हम वोकेशन सेंटर बनाना चाह रहे हैं, बल्कि बना भी रहे हैं, बन भी चुके हैं। तो उस हवाले से बच्चियाँ खासतौर पर जो रोटेशन वोकेशन सेंटर के मामला को समझती हैं वो हमसे रब्ता करें, हम उनके घर पर उनके एरियाज में हम ये सेंटर तैयार कर देंगे ताकि वो अपने इलाके में बच्चियों को ट्रेनिंग दें और वो बच्चियाँ अपने आप खुद कफील हों, और आज उनको उनकी कोई पहचान नहीं, आने वाले वक्त में उनकी प्रॉपर एक पहचान बने। जैसे हमारी माशाल्लाह तारा है, आज दुबई से उन्हें कॉल आ रही है तो वो जाने के लिए मना कर रही है, लेकिन हमें फ़ख्र होना चाहिए अपने बच्चों पे, बच्चियों पे कि उनको उनकी बाहर रसाई है, लोग उनको बाहर डिमांड कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उनके काम को सलूट पेश कर रहे हैं। तो हम हर बच्ची है या बच्चा है उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उनमें कम अज़ कम ये हिम्मत है, सलाहियत आगे बढ़ने की, और जो कमी है माली तौर पर है या टेक्निकल है वो हमारी टीम अलशरीफ फाउंडेशन की टीम उनको प्रॉपर हेल्प आउट करने की कोशिश करेगी, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है चाहे पाकिस्तान के बाहर है। बहुत ही ज़बरदस्त तारा बस से करे तारा का पूछना चाहते तारा काफ़ी छोकरियों हैं जो चाहती हैं तो वह मुख्तलिफ शयूँ कन उनके फैमिली की सपोर्ट उजन कितनी ज़रूरी है। फैमिली सपोर्ट के बगैर इंसान ज़ीरो है, निल है। तो मैं ये कहूँगी, अच्छा अगर मैं अपनी बात करूँ तो थैंक्स टू अल्लाह कि मैं यहाँ हूँ, थैंक्स टू माई मदर जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी तो मैं यहाँ बैठी हूँ। बिल्कुल, क्योंकि इंसान फैमिली सपोर्ट के बगैर घर में ही होता है अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अब जो है 21st सेंचुरी चल रही है, आगे जो है हमारी जो घर की औरतों हैं उनको स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कोई वक्त का पता नहीं है, हर टैलेंट आना चाहिए ताकि अगर वो कभी अगर वो उनको हर चीज़ आती होगी तो आने वाले वक्तों में वो इंडिपेंडेंट हों और अपने लिए खुद फैसले कर सकें। तो मैं ये कहूँगी बहुत ज़रूरी है, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, फैमिली को चाहिए कि वुमेंस को सपोर्ट करें, लड़कों को तो हर कोई कर रहा होता है ना, लड़कियों को कोई नहीं करता। नहीं, लड़कों को भी कम करते हैं, जैसे यासिर इसमें म्यूजिक इंडस्ट्री में ही नोज तो जडे छोकरन जी सपोर्ट जी गाले ना उनते जी पास आउट ना पेरियो प्रेशर उनको कमाइनो है। हाँ। नौकरी जो प्रेशर, किफालत जो प्रेशर, छोकरन ते भी प्रेशर उनको सोसाइटी जो ए छोकरन के तो एप्रिशिएट बनायो कंदा असा न्याणी अना ये है तो करें अस एप्रिशिएट कर न्याणी के पर छोकर के तो अस एप्रिशिएट ही ना क्या इग्नोर कर छा बट ये न करें खपे जैमें जो टैलेंट है उनमें उनके एप्रिशिएट करें खपे या सिर्फ यही है ना। बिल्कुल बस ना मीडिया इंडस्ट्री में स्पेशली जैसे तुम जैसे मिसाल चो तो मुझे गायण है मुझे सिंगर थेणो है तो उन मेल सभी घर भाती या तुम्हारा फैमिली मेम्बर जो पाड़ेसरी उच्ची सलाहूँ दींदा तो नौकरी कड़ी तो करी मुखे जो सो अज कें ये ना मुझे घर या भाती मुझे तक कजन है मुझे मास्टर फतेली फाटर मारो रू सगा जड़ी मल घर में हु गाइंदा तो मुखे पांजी मम्मा मना कंदी चवंदी तो बाबा तू गाय न तू पढ़ को नौकरी वट मां जो नौकरी कोन मिलंदे मां सीधी गाल के मां जो मुझो कम यो आ मां यो कंदस अल्लाह जे नाम सदको ने काफ़ी मोट मिली है मिट माइटन में मोहब्बत मिली है काफ़ी दोस्त माना जो फैन फॉलो जो असाजा जो परस्तार फैन उन वटा मोहब्बत मिल पे का ज्यादा हाँ वह माना तो अना दिल चवी कुछ बो कज। लेकिन ये बात कहूँ कि जब आप स्टार्ट लेते हैं ना जिंदगी में मीडिया फील्ड हो या कोई भी जब आप अपना नाम बनाते हैं खुद की पहचान खुद बनाते हैं तो वही वो लोग आपके ज्यादा फैन होते हैं जो आपसे नफरत करते हैं।
बिल्कुल। और मुझे मुझे मेरे हेटर से प्यार है, जो पहले कहते थे यार ये बाइक कोई पैशन है, ये क्या, ये तो तुम निकालती हो सारा दिन इधर उधर इंटरव्यूज देती हो, ये क्या है तंकीद। आज वो लोग कहते हैं बाबा 5 मिनट टाइम दे दे, मर नहीं जाएगी। ऐसा ही है, डेफिनेटली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मानो ताके हमेशा टोड़े किरण जी कोशिश करना है, ताके डिग्रेड करना है, कामयाब नहीं हो सकता। अलग कितरा एड़ा मोड़ आया, अलग कितरा एड़ा रास्ता आया, स्टेट ते चढ़ी करे मानो मुखे स्टेट तलाय छरीदा भरे मजमे में, तो बाबा ने एंट्री ना करनी। पो उन वक्त सा मुंह दिनो से निभायो से अड़ो काबिल थी दिखारो से उनके वक्त के जो जो अल्लाह के हुक्म सा हर जगह ते मौजूद है। इस बात पे एक शेर मुझे याद है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हाँ। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही जो टूट जाए तो शीशा तलाश कर। सजदे किए हजारों सदियाँ गुजर गई, सजदे किए हजारों सदियाँ गुजर गई, दुनिया बदल दे तेरी तू वो सजदा तलाश कर। कोई भी काम चीज करनी चाहिए, जब तक आपको टारगेट नहीं होगा आप काम नहीं कर सकते, और जब तक आपको थ्रेड नहीं होगा, आपके ऊपर हुटन करने वाले लोग नहीं होंगे और आपको तनकीद करने वाले लोग नहीं होंगे, आपको सीखने का मिल जाएगी। अब जितना आप बर्दाश्त करेंगे आपकी जो कुव्वत बर्दाश्त पड़ती चली जाएगी, काम करने का मजा आएगा। और यही सिलसिला हमारे साथ भी है, और मैं नहीं समझता जितना बड़ा सेटअप अल्लाह पाक ने हमें दे दिया है, या जितने लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, डोनर्स का करोड़ों रुपए के मामला, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उनका इतमाद बल्टअप है, और हम भी अल्लाह को हाजिर नजर जान के उनके इतमाद को मज़ीद बल्टअप करने की कोशिश करते हैं, मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जो बातें करने वाले हों ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि यकीन करें फिर देरी नहीं करता कुछ करें, लेकिन फिर कहते हैं उनमें और हमें क्या फर्क है, वो काम करने वाले वो तो करते हैं इसलिए कि कोई कुछ करे ही ना, मैं भी ना करूं दूसरा भी ना करे। और कुछ लोग जेलसी के मारे, कुछ तकलीफ के मारे, कुछ कहते हैं अरे बड़ा आदमी क्यों बन रहा है, मतलब हर आदमी किसी न किसी टारगेट पे बैठा होता है, और अफसोस है कि सीधे काम को अप्रिशिएट नहीं करते। बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक है, और बहरहाल उन लोगों के लिए भी हदायत है कि मतलब किसी के लिए पॉजिटिव सोच रखें, कोई बेटी है तब बेटा है तब, लेकिन वो अगर बोलते हैं तो हमें सीखने का अमल है और हमें आगे बढ़ने की मतलब और हमें जज्बा और शोर बढ़ता है कि भाई हौसला बढ़ता है। अगर कोई मेरी फैमिली को कहता है ये बाइक चला रही है, तो मेरी मामा कहती है मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। तो मैं बस ये कहती हूँ कि आपकी वाली बात है, जेलस जो होते हैं लोग वो तो सारी ज़िंदगी होते रहेंगे, उनको जितनी मर्जी आप कर लो, इंसान खुद को खुश खुद रखे और खुद को खुश खुद रख सकता है। हाँ। दुनिया दुख देने वाली बहुत पड़ी हुई है, देती रहती है, चलते फिरते दुख है। अभी आप अंदर आ रही थी तो मैं ही समझ रहा था लड़के जा रहा है, आपका स्टाइल कपड़े है, मैं ही समझ रहा था कोई लड़का जा रहा है। मुझे भी सामने बोला बाबा ये बाल थोड़े बना लो, नहीं तो ये भी ऊपर होते हैं, टाई हुए होते हैं। नहीं अच्छी चीज़ है, आप खुद को अगर यूनिक फील करते हैं तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ लोग जो है ना हमेशा वो आपको डिग्रेड ही करते हैं। और जब कामयाब इंसान होता है, जब आप मीडिया पे आ रहे हो, कामयाबी आपको मिलती है, फिर ही वो लोग जो है अप्रिशिएट करते हैं। लोग यहाँ के काले बिच्छू, हाँ, पल पल डसने वाले बिच्छू, फिर भी शौक से पाले बिच्छू। वाह 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 वाह। आर्टिस्ट लोग जो है कोरोना के जो 2 साल गुजरे हैं बहुत बुहरान था, जी जी, और ज़ाहिर स्टेज थिएटर ड्रामे चलेंगे तो इनकी रोटी रोजगार का मामला होगा, तो कुछ लोगों ने हमसे रब्ता किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम रात के 2-2 बजे उनके घर पहुँच के जो भी मतलब दे सकते थे प्रोग्राम को उनकी हेल्प की। और आज बहुत से आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, वो हमारी टीम का हिस्सा हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, और हम भी आने वाले वक्तों में भी इनके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल मेडिकल और दीगर मामलात, और इनकी कुछ बच्चों की हमने शादियाँ भी करवाई हैं, उनके नाम मैं ओपन नहीं करूँगा। तो मतलब कोई भी काम है, कोई भी शोबा है, हमें हर काम करने वाले से प्यार है। वो एज इंसानियत हम गुजात पात का नहीं देखते, ये अराई होना चाहिए या ये सिंधी होना चाहिए, जो भी आ गया डिजर्व करता है, उसकी छोटी सी इन्वेस्टिगेशन है चलो जी उसकी हेल्प करो। और ये तमाम हमारी चीज़ें तकरीबन सिगर आज में होती हैं, मतलब एक जगह 2 लोग काम कर रहे हैं, एक ही हेल्प होगी, दूसरे को हम बताना लाइक नहीं करते, ताकि उसको किसी भी मुकाम पर डिग्राइज ना करे, उसकी इंसल्ट ना करे उसको, क्योंकि आपने तो हेल्प ली थी, आपने खैरात ली थी। कुछ लोग इस हेल्प को खैरात का नाम देते हैं और उसका दिल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब कोई भी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये आपके साफी हज़रात हैं, ये फनकार हैं, तो मतलब अल शरीफ फाउंडेशन की मिशन है, मकसद है किसी न किसी की, यानी लाखों रुपए हज़ारों दे के भी उसकी हेल्प हो सकती है, 100 दे के भी उसकी हेल्प हो सकती है, अच्छा मशवरा दे के उसकी हेल्प हो सकती है, अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करके हेल्प हो सकती है, किसी न किसी तरीके से उनको हेल्प आउट किया जाए। तो मतलब इंशाल्लाह हम सब के साथ हैं, और सबसे हम कहते हैं जिसका कोई नहीं है वो चाहे हमारी माँ है, उसके लिए रहने की जगह नहीं है, हमारी बेटी है उसके लिए मुस्तकबिल नहीं है, बेटा है
कोई भी है हमसे रابता करें, इंशाल्लाह हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपने हमें आज टाइम दिया और इतनी ज़बरदस्त हमें बातें भी हमारे साथ शेयर की, और नाज़रीन को सपोर्ट के हवाले से भी आपने कहा कि किस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं अल शरीफ फाउंडेशन की तानी सपोर्ट कर सकती। यो परवेज साहब असा के बुधायो तारा बस से गड है यासिर भी गड है पर टाइम असा सफा थोरो बचो है असा एंड तहां जे सॉन्ग त करियूं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करना सी तहां जे सॉन्ग ते ए नाज़रीन ते मखे इजाजत दियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन ता सबनी शुक्र गुजार हां ता असा इते अंगण ते असा जे हली आयो ए असा जे शो के ता इज्जत बख्शी। थैंक यू सो मच ए नाज़रीन ते मखे इजाजत दियो मुजी सजी सत सजी टीम के इजाजत दियो मखे लाजो भाई के असा एंड करना सी यासिर जे सॉन्ग ते यो सॉन्ग ता के डेडिकेट ता कयो अल्लाह भाई। हेलो 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 जोड़ो असा जो बाजो हुंदो दुनिया दिसंदी सारी हो जोड़ो असा जो बाजो हुंदो दुनिया दिसंदी सारी हथ मुझे हथ में तू जो ओ मुझी प्यारी तू आ कराची जी रानी महा लड़कानी जो राणो तू आ कराची जी रानी लड़कानी जो राणो तोखे जे आगे ने नखरा कंदो आया मां भी माणो कंदो आया मां भी माणो चल नवाबी तू जी आहे तो में सुहग सबजी मां भी चिता चिता गुजरा दी दहुदिया सबजी ओ चल नवाबी तू जी आहे तो में सुहग सबजी मां भी चिता चिता गुजरा दी दहुदिया सबजी तू आ कराची जी रानी महा लड़कानी जो राणो तोखे जे आगे माफी कंदो आएगा माणो नवाबी तू जी आहे तो मिसू खंग सब जी मां भी चिता चिता गुजरा दी दहुदिया सब जी तू आ कराची जी रानी महा लड़कानी जो राणो तू आ कराची जी रानी महा लड़कानी जो राणो महा लड़कानी जो राणो महा लड़कानी जो राणो।